जब आप बड़े से, जब आप छोटे से बड़े की ओर जाते हो तो डिवाइड। अब मुझे अगर एंगल्स ड्रॉ करना है, अगर यहाँ पे अगर मैं पहला एंगल देखूँ तो मेरा जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। दोस्तों, गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ऑलरेडी मैंने इसका पहला लेक्चर बना दिया है जहाँ पे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जितनी चीजों का रिक्वायरमेंट है, जितना बेसिक लगने वाला है, सब कुछ बता दिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो यार फर्स्ट वो लेक्चर देखो, एंड देन इसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पार्ट वन है, मतलब पहला वीडियो है। देन इसके बाद 1.1 में क्वेश्चन नंबर फोर के बाद जो क्वेश्चन है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन पे आपको फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों देखो, ये हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज का, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर को टर्मिनल। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं और आपको कैसे निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 210, 210 और साथ में क्या है दोस्तों, -150। अब ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। कहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं बताते जाऊंगा, बट अपने सिलेबस का पार्ट है इसलिए अपने को सॉल्व भी करना चाहिए। अब यहाँ पे से आपको क्या करना है, दोनों में से सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी एंगल दोनों में से ग्रेटर है उसमें से आपको क्या करना है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर करना है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। अगर ग्रेटर माइनस स्मॉलर अगर आप कर रहे हो, अगर आंसर मल्टीपल ऑफ 360 आ रहा है, तो फिर समझ जाना कि जो जो हमें एंगल का जो पेयर दिया है वो क्या है, को टर्मिनल है। चलो तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं। अब डिफरेंस निकालते टाइम इसमें से ग्रेटर कौन सा है दोस्तों, 210 ग्रेटर है आपको पता है, और स्मॉलर कौन सा है, -150। इतना तो हमें छोटी क्लास में हमने पढ़ा ही है। देखो मैंने ग्रेटर लिखा, देन स्मॉलर लिखा, देन बीच में क्या करो, माइनस लो, और माइनस माइनस भाई लड़ाई हो सकता है इसलिए आपको ब्रैकेट भी लेना होगा। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, 210 माइनस माइनस प्लस 150, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो आई थिंक मेरा आंसर 360 आएगा। और अगर ये 360 है तो भाई 360 के टेबल में 360 तो आता ही है, मतलब 360 के मल्टीपल में है, तो मतलब ये जो है 360 के टेबल में आता है, तो मतलब ये जो एंगल जो दिए हैं ये क्या है, हमारा को टर्मिनल है। तो आप कैसे लिखोगे, 360 इज अ मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 360, मतलब 360 जो है वो 360 के टेबल में आता है, तो 360 इज अ मल्टीपल ऑफ 360, मतलब 360 के टेबल में आता है, 360 वन जा 360, एंड देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल। और अगर दोस्तों ये 360 के टेबल में नहीं आएगा, 360 के मल्टीपल में नहीं आएगा, तो डायरेक्ट आप लिख देना, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट को टर्मिनल। अभी देखो यहाँ पे मैं सेम टू सेम यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, और अगर सपोज मैंने इसमें से कोई भी एक रैंडमली क्वेश्चन उठा लिया, ये वाला अगर मैं यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में ले रहा हूँ, अब यहाँ पे -180 है और दोस्तों यहाँ पे 540 है, बहुत आराम से सॉल्व करो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंस हमें निकालना है दोनों एंगल का, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो ग्रेटर आपको पता है 540 प्लस में ग्रेटर है, एंड देन -180। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से दोनों के बीच में एक माइनस लेना होगा, मैंने बोला ना ग्रेटर माइनस स्मॉलर। अब अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 540 माइनस माइनस प्लस 180, और अगर आप इसे प्लस करते होते, देखो ये 0 0 0 होगा, देखो 8 और 4 12 होगा, 12 का 2 1 कैरी, और 1 कैरी करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 और 1 7, और दोस्तों आपको पता होगा तो 720 जो है वो भी मल्टीपल ऑफ 360 है, मतलब 720। इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में मेरे 360 का आपको टेबल याद करा दिया है, 360 का अप टू 5 तक आपको टेबल मैंने याद करा दिया है, तो ये जो इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट वाला, तो ये जो 360 को अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 360 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई सॉरी 5 बोल रहा हूँ 360 को अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ
2 से मल्टीप्लाई करो तो 720 आता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये 360 के मल्टीपल में है, 360 के टेबल में है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर 720 इज अ मल्टीपल ऑफ, ये लिखोगे 720 इज अ मल्टीपल ऑफ 360 एंड देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटेनजेंट। इस तरह से दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर का सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन। और आपको अब यहाँ पे ये भी सीखना होगा कि इतने सारे क्वेश्चन, 10th में ऐसे क्वेश्चन नहीं रहते बहुत सारे, तो आपको ये सीखना होगा कि मुझे कैसे मिनिमम टाइम में अपने सिलेबस को कवर करना है। सब चीज़ें मैं बताऊंगा, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा उसको अच्छे से पिक कर लेना, और जो मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा उस टाइप को भी आप दिमाग में रखना, पर उसके भी एक दो सम को आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 360 है, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये 360 है और यहाँ पे -30 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंस सॉल्व करोगे। यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे पहले डिफरेंस सॉल्व करोगे। डिफरेंस में क्या आएगा, 360 ग्रेटर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, स्मॉलर। तो यहाँ पे क्या है, -30 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 360 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। और अगर मैं दोनों को प्लस करूँ तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 390। और 390 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360 एंड देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट अ कोटेनजेंट। तो ये क्वेश्चन में आप कोई भी क्वेश्चन, अगर समझो मैं उठा के ये क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दूं, अगर समझो मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ 6 वाला, यहाँ पे कितना है दोस्तों, 900, और यहाँ पे कितना है दोस्तों, -900। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकाल रहे हो, अगर आप इसका डिफरेंस निकाल रहे हो तो दोनों में से ग्रेटर एंगल कौन सा है दोस्तों, 900 है। और देन अगर मैं बात करूं, बीच में हम माइनस लेंगे, देन -900, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 900 और माइनस माइनस +900। तो दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो यहाँ पे कितना आएगा, 1800। और प्लीज आप 360 के टेबल में, अगर आप 36 का टेबल अगर अप टू 5 तक याद किए हो तो आपको पता है कि 180 आता है। तो यहाँ पे 1800 जो है वो 360 के टेबल में आएगा, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 1800 इज अ मल्टीपल ऑफ 360 एंड देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल आर कोटेनजेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब इसमें के जो बचे हुए एक दो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दोस्तों कंप्लीट कराया है, और मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि अगर आप मेरे पहले लेक्चर्स को ही अच्छे से देख लेते हो आपका मैक्सिमम पार्ट वहीं पे दोस्तों कवर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ एंगल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये पहला बना दे रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे, हाँ ये रफली बनाना है इसको, अगर मेजरमेंट करके बनाना है तो भी बना देना, पर मेजरमेंट में नहीं बनाना है, बस रफली आप बनाओगे तो भी काम हो जाएगा। ये देखो यहाँ, अब यहाँ पे ये सिस्टमेटिक ये भी कर दिया, यहां पे ये और यहां पे ये और यहां पे। अब मुझे अगर एंगल्स ड्रॉ करना है, अगर यहां पे अगर मैं पहला एंगल देखूं तो कितना है, -140, दूसरा एंगल कितना है, 250, तीसरा एंगल कितना है दोस्तों, 420, एंड फोर्थ एंगल कितना है दोस्तों, 750। तो अब चारों ही डायग्राम्स को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा, ध्यान से देखना। अब देखो आपको एक बेसिक चीज मैं बता दे रहा हूं, ये देखो ये है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 180 होगा, यहाँ पे 270 होगा, और यहाँ पे दोस्तों 360 होगा। पर ये जो सीक्वेंस चल रहा है ऊपर से मैं कब जाऊंगा, जब मेरा एंगल क्या है, प्लस है। मैंने बोला अगर मुझे ज्यादा मार्क्स है, प्लस में मार्क्स है, तो मैं अपने गर्दन को ऊपर रखता हूँ, वही अगर कम मार्क्स रहेगा तो मैं नीचे छुपने की कोशिश करूंगा, भाई कोई देख ना ले मुझे कम मार्क्स है। तो अगर आपको कम मार्क्स है तो दोस्तों आप यहां से 0 ऊपर से नहीं जाओगे, नीचे से जाओगे, तो -90, फिर यहाँ पे क्या आएगा, -180, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -270, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -360। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब माइनस होगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो आप बताओ ऊपर से जाऊंगा कि नीचे से जाऊंगा, तो आपको पता है सर आप नीचे से जाओगे क्योंकि आपको कम मार्क्स है, आप अपना मुंह छुपा के छुपाने की कोशिश करोगे, भाई कोई पूछ ना ले। देखो यहाँ पे 0 है, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0 डिग्री के बाद यहाँ पे -90, -90 के बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -180,
देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -270 एंड देन दोस्तों -360। अब ये 140 इसी के बीच में है तो काम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये होने के बाद आपको क्या करना है, देखो 140 किसके बीच में आ रहा, 90 से 180 के बीच में यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता है कि यहाँ से मेरा एंगल चालू था यहाँ तक, तो ये कितना है -140। अब बस यहाँ पे एक लाइन लिख दो, टर्मिनल आर्म, जिसको हम टर्मिनल आर्म बोलते हैं, आपको बताया था टर्मिनल आर्म लाइज इन अ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये फोर्थ। तो टर्मिनल आर्म लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं 250 एंगल्स की बात करूं, एंगल प्लस में है, अपॉन पूरे व्हाट में रहेगा, मतलब यहाँ 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है दोस्तों, यहाँ पे 270 है, और यहाँ पे दोस्तों 360 है, और इसी के बीच का एंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 250 अगर आपको ड्रॉ करना है तो दोस्तों 250 आपको पता है कि ये दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे मैंने एंगल ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा 250 270 के साइड में थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ से एंगल ऊपर से चालू हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा एंगल 250 हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से ये जो एंगल चालू हुआ था यहाँ तक का, तो ये एंगल हो गया। अब आप 420 ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे, देखो ये 0 है, ये क्या है दोस्तों 90 है, मैं ऊपर से इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि प्लस है, वही माइनस, नीचे से मैं जाता अगर माइनस में एंगल होता तो नीचे से जाता, ये कितना हो गया दोस्तों 180, 270, 360, 360 के बाद 450, 10 10 कम करते जाने का, 9 का टेबल अगर आपको आता होगा ना, देखो 9 1 18 27 36 45 ऐसे। अब 45 420 के आसपास आ गया तो बस यहीं रुक जाओ। अब देखो ये 420 भाई 360 और 450 के बीच में, मतलब अपना एंगल यहाँ पे कहीं आएगा। एक बार हम पूरा का पूरा राउंड अप मारे, राउंड अप मारने के बाद पूरा का पूरा राउंड अप मारा तो 360 कवर हुआ, 360 के बाद इतना और चला तो मेरा एंगल मिला मुझे दोस्तों। तो मतलब ये जो मेरा टर्मिनल आर्म है कौन से क्वाड्रेंट में है मुझे बता दो फटाफट। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टर्मिनल आर्म लाइज इन अ कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या आएगा, टर्मिनल आर्म लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो ये 750 का ड्रॉ करना है, अब प्लस में है तो ऊपर से जाऊंगा, देखो ये 0 है, ये क्या है 90 है, ये क्या है दोस्तों 180 है, ये क्या है दोस्तों 270 है, ये क्या है दोस्तों 360 है, ये क्या है दोस्तों 360 के बाद ये क्या आएगा 450, ये क्या आएगा दोस्तों 450 के बाद 540, और 540 के बाद ये क्या आएगा दोस्तों 540 के बाद ये क्या आएगा दोस्तों 540 के बाद ये क्या आएगा 630, 630 के बाद ये क्या आएगा दोस्तों 720। ओहो क्या आ गया, 720 के बाद ये क्या आएगा दोस्तों 810। अब देखो 0 है, 90 है, 180 है, 270 है, देखो अब ऊपर से जा रहा हूँ, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, 360 है, अपने दिमाग में बिठा लो। 360 के बाद भाई 450 है, 450 का 9 का टेबल पर 45 के बाद देखो 54 है, 54 के बाद 63 है, 63 के बाद 720 है, 720 के बाद 81 आता है, 72 के बाद, तो देखो 81 है, अपना एंगल आ गया। अब अपना एंगल ये दोनों के बीच में है, मतलब अपना एंगल दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा। अब आप एक बार यहां से चालू किए थे, पूरा का पूरा ये 360 हो गया, फिर यहां से यहां तक ये दोस्तों 720 हो गया, 720 के ऊपर है, मतलब यहाँ पे इस तरह से ये मेरा पूरा का पूरा एंगल ड्रॉ हो गया। तो ये क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बोल देना टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में आपका आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आप ये बाकी के एंगल्स को भी क्या कर सकते हो, आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर इसमें से किसी में भी अगर प्रॉब्लम हुआ मुझे बोलना, जरूर मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, कन्वर्ट दी फॉलोइंग एंगल्स टू रेडियन, ये जो एंगल्स दिया है इसे अपने को किसके अंदर कन्वर्ट करना है दोस्तों, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे पहला जो एंगल है मेरा 85 डिग्री, अब यहाँ पे 85 डिग्री है और मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब 85 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो मैंने बोला था कभी भी अगर आप डिग्री से रेडियन में जा रहे हो दोस्तों तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से, किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, पाई बाय 180। मैंने बोला था डर किसका, डर किसका, पापा का, पापा का डर, मतलब पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब यहाँ पे अगर 85 है तो दोस्तों इसको पाई बाय 180 से मस्त मल्टीप्लाई कर दो एकदम मस्त, और ये तुरंत रेडियन में कन्वर्ट हो गया है। अब दोस्तों आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 180 जो है वो फाई के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, तो 36 टाइम्स में, आप डिवाइड करके भी देख लेना। और अगर मैं इसको अगर 5 से डिवाइड करूं तो दोस्तों यहाँ पे 17 आएगा। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे आंसर्स निकालने की कोशिश करूं तो अब इसके आगे कोई डिवीजन नहीं होगा, तो यहाँ 17
पाई बाय 36, यहां पे क्या हो गया दोस्तों, रेडियन। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 250 डिग्री। अब यहां पे 250 मल्टीप्लाई बाय यहां पे क्या आएगा पाई बाय 180, और यहां पे हम क्या करेंगे इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब रेडियन में कन्वर्ट करते टाइम देखो दोस्तों ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब आप मुझे बताओ कि 25 और 18 किसी के टेबल में आता है क्या, दोनों ही टेबल पे आना चाहिए, तो नहीं आता। तो सर इसका आंसर क्या आएगा 25 पाई बाय 18 रेडियन, परफेक्ट। अब मैं अगर आगे जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेरा -132। अब बहुत सारे बच्चे ये माइनस देख के डर जाते हैं, और ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके पहले के दो क्वेश्चन आने के चांसेस कम थे, पर ये यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ गए। अब यहाँ पे -132 है दोस्तों, तो 132 देखो ये माइनस साइन मैं ऐसी बाहर रखा हूं, ये 132 को आप किससे मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया दोस्तों रेडियन में। अब रेडियन में कन्वर्ट होने के बाद आप इसका हाफ करोगे तो दोस्तों कितना होगा 90, अगर इसका हाफ करोगे तो आई थिंक 66 होगा, हाँ 66 होगा। इसका हाफ करोगे तो दोस्तों कितना होगा 45, और इसका हाफ करोगे तो 33। तो फाइनली यहाँ पे 33 है, यहाँ पे क्या है पाए है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 45 है, और यहाँ पे क्या है रेडियन है और माइनस है। अब अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हो तो भाई अगर आप इसके अगर आप 3 के टेबल में करोगे तो 11 टाइम जाएगा, इसको अगर आप 3 के टेबल में करोगे तो 15 टाइम जाएगा। आप चेक कर लेना 3 के टेबल में डिवाइड करके, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 11 पाई बाय 15 रेडियन और माइनस में, क्योंकि साथ में माइनस है। अब नेक्स्ट ऐसे ही आप, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 65 डिग्री 30, इसको क्या बोलते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था मिनट बोलते हैं, और अगर डबल आ गया तो उसको बोलेंगे सेकेंड। अब आपको क्या करना है इसे फाइनली आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था भाई, दोनों को पहले बांट दो, दोनों को अलग कर दो, दोनों अलग हो गए। अब दोनों जैसे ही अलग होंगे ये 65 डिग्री हो गया, ये वाला जो पार्ट है इसको अगर मुझे डिग्री में करना है, देखो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है, और दोनों में से मुझे बताओ डिग्री बड़ा होता है कि मिनट बड़ा होता है, सीधी सी बात है भाई डिग्री बड़ा होता है, और कभी भी अगर हम बड़े यूनिट की ओर जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करने का। तो अगर मैं देखो यहाँ मिनट है, मिनट भाई छोटा है, मिनट से मैं डिग्री की ओर जा रहा हूँ, बड़े की ओर जा रहा हूँ, मतलब ये 60 से मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, तो ये जो 30 है उसको 60 से डिवाइड करूंगा। वही अगर मैं डिग्री से, अगर सपोज यहाँ पे डिग्री होता वहां से अगर मैं रेडियन जाता, अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, मैं यहाँ से यहाँ समझो यहाँ मिनट है, मिनट से मैं क्या जा रहा हूँ डिग्री में जा रहा हूँ, मिनट छोटा है, छोटे से मैं बड़े में जा रहा हूँ तो डिवाइड होता है, ये याद रखना कभी भी यूनिट के कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगा। और वही अगर डिग्री है बड़े यूनिट, डिग्री मतलब बड़ा है मिनट से, और मैं उससे मैं मिनट में जा रहा हूँ, मतलब मैं छोटे की ओर जा रहा हूँ, छोटे को भाई बड़ा करना है मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वहां पे ये 60 मल्टीप्लाई करना होगा। ये मेरा जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये देखो ये 1 और ये 2, तो फाइनली आंसर यहाँ पे कितना है 65, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 1/2 डिग्री, और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ अच्छे तरीके से तो ये 65, ये 1/2 और होल डिग्री, और अगर मैं इसे और अच्छे से सॉल्व करूँ दोस्तों ये देखो ये 2 से अगर मैं करूँ तो ये 130 प्लस 1 अपॉन 2 डिग्री, और अगर मैं इसे अच्छे से करूँ तो ये 131 अपॉन 2 होल डिग्री। अब यहाँ पे ये मेरा आंसर आ गया, ये आंसर वैंसर नहीं आया भाई, ये अभी मैंने इसको प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट किया, अब इसको रेडियन में करना है, तो ये 131/2 है, इसको रेडियन में करने के लिए 5/180, डर किसका, डर पापा का, 5/180 तुरंत ये रेडियन में चले गया। अब देखो ये किसी में कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई नाराज होने वाली जैसी बात नहीं है, 131 पाई इसको ऐसी रखो, और नीचे वाला 2 से 180 को मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनली ये रेडियन में हो गया, तो 131 पाई अपॉन 360 परफेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन और हैं, ये वाला क्वेश्चन सेम मैं आपको दे रहा हूँ, सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना जैसे मैंने सॉल्व किया है, ये वाला मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 40 डिग्री है, 48 मिनट है, पहला स्टेप आपको पता है दोनों को अलग कर दिया, देन स्टेप नंबर सेकेंड आपको पता है, ये देखो 40 डिग्री, देन ये 48 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 60, क्योंकि मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ डिग्री में, देन यहाँ पे दोस्तों आपको पता है ये 40 डिग्री, और दोस्तों ये देखो ये 12 के टेबल में आता है 4 जा, 12 के टेबल में 5 जा, अगर 12 का टेबल नहीं आता होगा तो 2 से भी कर दो, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर इसके बाद उसको और कर दो, 24 है
और 30 है, ये दोनों आपको 6 के टेबल में पता है, 6 4 जा 6 5 जा, वैसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर क्या है 4 और नीचे क्या है दोस्तों 5, और फाइनली यहाँ पे क्या है डिग्री। अब अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 40, ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये डिग्री। और फाइनली अगर आप इसे चेंज करोगे तो 5 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे हिसाब से 200 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 5, और ये डिग्री। अब दोस्तों और अगर इसे करोगे तो भाई यहाँ पे 204 और अपॉन 5, ये भी डिग्री। अब डिग्री में ये आया, अब आपको फाइनली इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 204 5 इनको गायब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तुम गायब हो जाओ भाई, और मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180। कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, डर किसका, पापा का। डिग्री टू रेडियन मतलब डर, डर किसका, पापा का, पापा मतलब ऊपर, पाए 180। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई इसका हाफ अगर मैं करता हूँ तो इसका हाफ होता है 90, इसका हाफ करता हूँ तो 102, फिर से इसका हाफ करता हूँ तो 45, और इसका हाफ 51। तो फाइनली ऊपर 51 है, ज्यादा कचरा मत करो, नीचे 5 है, और यहाँ पे पाए है, और यहाँ पे 45 है, और ये हो गया रेडियन में। और इसका और खात्मा कर दो, या रेडियन सिंबल दे दो भाई। अब देखो अगर आप करोगे तो भाई ये 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 15 टाइम, 3 से आप डिवाइड कर लो, ये भी 3 से डिवाइड होगा भाई, 17 टाइम होगा, आप 3 से डिवाइड करके देख लेना। और कैसे आपको पता चला कि सर ये 3 से डिवाइड हुआ, तो 4 और 5 को प्लस करते तो 9 होता है, और 9 3 के टेबल में आता है, और 5 और 1 को प्लस करते तो 6 होता है, और 6 भी 3 के टेबल में आता है, इसलिए सर को पता चल गया। अब अगर आप ध्यान से अगर अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो अब आगे और क्या हो सकता है, और कुछ डिवाइड होगा क्या सर, और कुछ तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो फाइनली ऊपर 17 पाए और 15 पाए जा 75 रेडियन। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट किए, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ फटाफट, और अब देखते हैं नेक्स्ट कौन से टाइप का क्वेश्चन है, और उसे भी हम मजेदार तरीके से कंप्लीट कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ हमें क्या करना है, द कन्वर्ट दी फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। भाई ये एंगल जो दिया है इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, बहुत अच्छे तरीके से हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 7π/12 दिखाई दे रहा है ये रेडियन में, कन्वर्ट किस में करना है दोस्तों, डिग्री में। तो ये डर का अपोजिट है, तो डर में हम पाई बाय 180 लेते थे, तो यहाँ पे उल्टा ले लो 180/π। इसलिए एक ही चीज याद रखो, उससे ही सॉल्व करो, अगर दो चीज करने के वो जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 7π/12, और यहाँ पे आपको क्या करना है 180/π से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, डिग्री में। पाई पाई कैंसल हो गया, 6 2 जा 6 3 जा। अब फाइनली अगर मैं देखूँ तो यहाँ 7 बचा है, नीचे 2 बचा है, यहाँ पे 30 बचा है, और यहाँ अगर मैं इसका हाफ करूँ तो 15 होगा, और 15 7 जा मुझे ऐसा लगता है कि 105 होता है। यस आरो, आपको टेबल आता है 15 का, तो देख लो 15 7 जा कितना आता है, बताओ फटाक से बताओ मुझे 15 का टेबल। हाँ देख के मत बोलना, डायरेक्ट बोलो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब देखो भाई ये रेडियन में कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो माइनस साइन ऐसे ही रख दो बाहर, माइनस का तो अब टेंशन ही नहीं है। देखो इनका अभी तक 15 7 जा नहीं आया, ऐसे लोग रहेंगे तो फिर देश का क्या होगा। तो यहाँ पे ये पाई पाई कैंसिल हो गया, और ये 3 6 जा, अब यहाँ पे 3 6 जा 18 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचा पहले वो देख लो, यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे क्या है 5 है, और यहाँ पे दोस्तों 60 है, और यहाँ पे डिग्री है। 5 6 जा कितना होगा दोस्तों 30, और एक और 0 फाइनली, और माइनस। तो इस तरह हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देखो 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत मजा आएगा, आगे टेंशन नहीं रहेगा। 5 रेडियन को आपको कन्वर्ट करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 180/π, और डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप 180 को अगर 18 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 90, और ये पाए, और यहाँ पे 0, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, 11π/18 रेडियन, तो यहाँ पे दोस्तों 11π/18
मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, ये भी हो गया, फाइनली ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डिग्री में, 18 वन सा पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो मुझे लग रहा है 11 है और यहाँ पे 10 है, 11 वन सा 11 और साथ में एक जीरो लगा दो रेडियन, आराम से आ गया आंसर। अब नेक्स्ट गोज टू माइनस 1/4 रेडियन, तो देखो यहाँ पे माइनस 1/4 है, इसको भी आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत ये भाई साहब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो ये 4 से अगर आप इसे डिवाइड करते हो, देखो इसका हाफ कितना आएगा 2 और इसका हाफ कितना आएगा 90, इसका अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 45, तो फाइनली यहाँ पे कितना आया 45, और ये पाई आप ऐसे ही रख सकते हो और यहाँ पे एक इसमें कन्वर्ट होगा डिग्री में। आप चाहिए अगर पाई को हटाना है तो आप पाई के वैल्यूज को भी वहाँ पे लिख सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड। ये जो एंगल्स दिया है इसे भाई अपने को डिग्री मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आपने मेरा अगर इसके प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा तो उसमें मैंने आपको इसकी स्टोरी बताई थी, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये भाई डिग्री में, इनको बांटना है रेडियन में, आरो अच्छे से बैठो, रेडियन में, मिनट में और सेकेंड में। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं इसे 180 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री, पहले तो आप क्या करो पता है, पॉइंट के बाद वाला अलग कर दो, 183 को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। वैसे अगर आप समझो 245 को कर रहे हो तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 245.33 डिग्री है, तो आप कैसे लिखोगे, पहले जो डिग्री के पहले मतलब पॉइंट के पहले का वो लिखा आपने, और देन इसके बाद पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के साथ लिख दो, ये दोनों, पहले दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग तो कर दिया सब। स्टेप नंबर 1 मस्त तरीके से समझ में आया। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, ये 183 ऐसे ही रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे असली खेल चालू होगा, ये है आपको एक लॉजिक पता है कि 1 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 मिनट। अब यहाँ पे ये 0.7 है, मुझे क्या करना है, ये डिग्री से इसको मिनट में लेके जाना है। अब मैंने बोला था जब आप छोटे से बड़े की ओर जाते हो तो डिवाइड करना होता है, पर जब आप बड़े से छोटे की ओर, देखो यहाँ पे इसके पहले वाले सम में उल्टा था, पर यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सम बताया था, यहाँ पे आप डिग्री मतलब बड़ा होता है और मिनट छोटा, तो बड़े से हम छोटे की ओर जा रहे हैं, छोटे की ओर जा रहे तो भाई छोटे को बड़ा करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे 60 क्या होगा, मल्टीप्लाई, वही एक कोई भी लॉजिक आप याद करके रखे रहना। अब देखो यहाँ पे ये 183 हो गया, अब देखो इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो, 7 6 कितना होता है, 42 होगा, और देखो 42 एक जीरो है साथ में, ये भी लिख दे रहा हूं। अब ये नंबर्स लिखने का, जैसे 7 6 मैंने लिखा और एक जीरो बाकी था वो लिख दिया, अब पॉइंट के बाद कितना नंबर 1 है, पीछे से 1 नंबर के बाद पॉइंट दे दो, और ये किसमें मिनट है, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 183 प्लस 42.0 मतलब 42 मिनट्स, तो फाइनली मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 183 42 मिनट्स हो गया। वही अगर समझो इसके बाद 0.5 रहता तो फिर उसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये 245 आपने लिख दिया, यहाँ पे 0.33 मल्टीप्लाई, आपको पता है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में आ गया। अब मिनट में आने के बाद 245, अब देखो यहाँ पे ये 33 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 33 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 18 1 कैरी 30, देखो 18 और 1 19 198। अब देखो यहाँ पे 198 लिखेंगे, कोई कोई ऐसे डायरेक्ट लिख देगा भाई जीरो लिया नहीं है तो जीरो भी लिख दो आप, और बाद में आप पॉइंट क्या, दो नंबर है, दो नंबर क्या था पॉइंट दे दो, तो फाइनली ये किसमें चले गया दोस्तों, मिनट में, तो ये क्या हो गया 245 डिग्री, और ये लिखते टाइम हम कैसे लिखेंगे इसे 19 मिनट, चलो देखो ये प्लस लिख रहा हूँ, ये प्लस लिख रहा हूँ, देखो इसको अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे आपने इसको किया था ना वैसे पॉइंट के पहले क्या 19 मिनट लिखा और पॉइंट के बाद जो है 0.80 मिनट, देखो मैंने इसको कैसे किया है प्लीज ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने इसका डिवीजन किया था ना वैसे मैंने यहाँ मिनट को दोनों को बांट दिया, 19 नंबर था उसको लिख दिया, अब पॉइंट के बाद जो था उसको अलग लिख दिया, क्योंकि अब जो पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट के बाद
जीरो था, पॉइंट क्या जीरो था तो कोई दिक्कत नहीं था, पर वहां पॉइंट क्या 8 0 आया तो उसको अपन सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो फाइनली ये दोनों को मिला के आप लिख दो 245 डिग्री 19 मिनट, आपने लिख दिया। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको पता है 0.80 है, किससे मल्टीप्लाई होगा, सेम वही 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट को कर दोगे तो ये भी सेकेंड में हो जाएगा। अब सेकेंड के लिए डबल डैश करना है आपको। अब यहाँ पे ये 245 डिग्री हो गया, 19 मिनट हो गया। अगर आप इसे देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8 6 कितना होता है जल्दी से बताओ, फटाफट आ रहो जल्दी से बताओ, 8 6 कितना होता है? आपसे सुनने जाऊंगा तो मेरा मैक्स ही हो गया, तो ये 48 होगा। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, मतलब 2 0 है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या, दो नंबर है पीछे से, दो नंबर के आप पॉइंट दे दो, और यहाँ पे सेकेंड। तो फाइनली दोस्तों ये 245 19 मिनट और ये 48 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, फटाफट प्रैक्टिस करते जाओ, किसी के भरोसे मत रहो। बाद में एक रिवीजन मस्त हो जाएगा, और कॉलेज में जाने के पहले चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को शेयर करो तो और अच्छी बात होगी। अब देखो यहाँ पे 1/5 है, इस 1/5 को भाई ये रेडियन में दिया है, और इसको डिग्री मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना है, बहुत बड़ा टेंशन है। आप क्या करो, सबसे पहले 1/5 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए वो रूल है डिग्री वाला, डर रेडियन से आप डिग्री में जा रहे हो, रेडियन से किस में जा रहे हो, डिग्री में जा रहे हो, मतलब डर का अपोजिट है, मतलब आप 180 पाई बाय 180 का अपोजिट लेंगे, मतलब यहाँ पे 180 बाय पाई लेंगे, ठीक है, और ये किस में चलेगा, डिग्री में। अब आपको ये भी पता है कि अगर मैं इसको पाई से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 36 आता है। मैंने आपको बोल दिया कि पहला लेक्चर आपने देखा होगा, तो 36 का टेबल अपने दिमाग में बिठा लो। यहाँ पे पाए हो गया, और ये फाइनली किस में आ गया, डिग्री में। अब इसको 36 से, इसका मतलब आपको पता है, या तो 3.14 लो, थोड़ा सा पॉइंट में वेरिएशन आएगा, या तो 22/7 लो। मैं यहाँ पे 22/7 ले रहा हूँ, ये फाइनली किस में आ गया, डिग्री में। और देखो ये देखो 36 है, ये 22 है, ये 7 ऊपर आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये यहाँ पे हो गया। अब ये दोनों का अगर मैं कैलकुलेशन करूं, तो सबसे पहले 11 नहीं आएगा, इसका हाफ 11 होगा और इसका हाफ 18 होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 18 ऊपर 7 और नीचे 11 बच रहा है, और 18 7 जा अगर आप करोगे, मुझे लग रहा है 126 होगा। जस्ट अपन एक बार चेक कर ले रहे हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, 7 1 7 और 5 0.212, तो यहाँ पे 126 डिवाइड बाय 11 डिग्री। अब आपको इसको डिवाइड करके क्वेश्चन को इस तरह बनाना है, देखो इस तरह डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है, फिर आगे का प्रोसीजर ये पूरा का पूरा सेम है। अब इसको 126 को डिवाइड करो 11 से, चलो सर आप डिवाइड भी दिखा दो, दिखा देते हैं सर। 11 से 126 को डिवाइड करो, 11 1 11, देखो यहाँ पे 1 आया, फिर से 11 1 11, यहाँ पे कितना आया दोस्तों, 5 आया, थोड़ा अच्छे से 5 लिख दो यार, देन यहाँ 0 लिया, यहाँ पॉइंट दिया, 11 4 44, देन यहाँ पे एक और 0 लिया, 11 5 55, तो देखो यहाँ पे फिर से देखो 5 आया तो 45 फिर से आने वाला है। तो ऐसे आप डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद इसका जो भी आंसर आया, चलो मैं इतना ही लिख रहा हूँ 11.45, और मैं 4 5 5 लिख के उसको 4 6 भी लिख सकता हूँ, इतना मैं लिख रहा हूँ 4 5 4 5, अगर समझो मैंने लिखा, ये मेरा डिग्री में है। अब इसको आपको कन्वर्ट करने आता है, या आप 11 पॉइंट, ये देखो 11.4, इसे आप यहाँ पे ना 4 5 भी ले लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हटा दो, इसको 5 कर दो, फिर ये वाला हटा दो, इसको 6 हो जाए, 11.46 लेके आप ये सम सॉल्व कर सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे 11 डिग्री प्लस 0.46 मिनट, फिर उसको मिनट से आप सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, मतलब उसको पहले आप डिग्री में ही है, पहले उसको मिनट में कन्वर्ट करो, देन उसको आप सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और बाकी तो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, और आपके एग्जाम के लिए अगर आपने ये दो सॉल्व कर लिया तो भी इनफ है, ये जनरली पूछा नहीं जाता है, पर आपके बुक में है तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद दोस्तों।